हेलो दोस्तों, दिस इज योर मूवीज वर्ल्ड हिंदी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अमेरिकन फैंटेसी मूवी हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, जो कि रिलीज्ड हुई थी 2002 में। ये हैरी पॉटर सीरीज का सेकंड पार्ट है। स्पॉइलर्स अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। कहानी की शुरुआत में हमें हैरी उसके अंकल के घर पर दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ मेहमान आ रहे थे। उसका अंकल उसे कहता है, तुम अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगे। हैरी अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटे से कद का एक एलियन आ जाता है। हम उसे छोटा सा क्रिएचर भी कह सकते हैं। वो हैरी से कहता है, इस साल तुम मैजिक स्कूल में मत जाना। ये कहकर वो बाहर बैठे मेहमानों से शरारत करने लगता है। हैरी के अंकल सोचते हैं इसके पीछे हैरी है। वो उसे एक कमरे में बंद करते हुए हैरी से कहता है, तुम अब मैजिक स्कूल में नहीं जाओगे। हैरी को अपने खिड़की से एक उड़ने वाली गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त रॉन था, जो उसके बाकी भाइयों के साथ उसे अपने घर लेने आया था। हैरी खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है, जहां पर उसकी मदर उनसे कहती है, मैजिक स्कूल में जाने से पहले अपनी बुक्स पूरी कर लो, और उन्हें एक मैजिकल बाजार में भेज देती है। वहां पहुंचकर हैरी खो जाता है। वहां पर उसे वो जॉइंट आदमी मिलता है, जो उसे एक शॉप पर पहुंचा देता है। शॉपकीपर हैरी को वो बुक्स फ्री दे देता है। अब ये लोग मैजिक स्कूल जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अब की बार तो रॉन के भाई बहन भी जा रहे थे, लेकिन हैरी और रॉन की ट्रेन मिस हो जाती है, तो वो उसी उड़ने वाली गाड़ी में वहां जाने लगते हैं। रास्ते में वो गाड़ी एक पेड़ में फंस जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरते ही वो गाड़ी उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों किसी न किसी तरह अपने मैजिक स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्नैप वहां उनसे कहता है, तुम्हें पता है कि हमारी मैजिकल स्कूल कितना छुपा हुआ है? कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, तो तुम लोगों ने सबके सामने गाड़ी क्यों उड़ाए? अगले दिन हम देखते हैं कि उन लोगों की फ्लाइंग क्लास हो रही होती है, हैरी की टीम की और दूसरी तरफ मेल्फॉय की टीम की। मेल्फॉय की टीम शुरू में बहुत पॉइंट्स ले जाती है, लेकिन हैरी भी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने के लिए काफी कोशिश कर रहा होता है। मेल्फॉय भी हैरी को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर हैरी बहुत मुश्किल से उस गोल्डन बॉल को आखिर पकड़ ही लेता है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। उसे स्कूल के हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल और फीमेल प्रोफेसर वहाँ पर आती है। वो कहती है, सब बुरा हो रहा है, क्योंकि 50 साल बाद एक सीक्रेट चेंबर खोल दिया गया है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आएंगी। ये सारी बातें हैरी भी सुन लेता है। हैरी ये बातें अपने दोस्तों को बता देता है। अगले दिन हामाइनी फीमेल प्रोफेसर से पूछती है, प्रोफेसर ये सीक्रेट चेंबर क्या है? वो फीमेल प्रोफेसर उसे बताती है, इस मैजिक स्कूल को 4 जादूगरों ने बनाया था। उनमें से 3 तो बहुत अच्छे थे, यानी वो ये भी चाहते थे कि जो ऐसे बच्चे जिसकी फैमिली में से बेशक कोई जादूगर ना हो, वो भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चौथा जादूगर था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो उसने एक सीक्रेट चेंबर बनाया, जिसमें उसने एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक को रखा, जो उन बच्चों पर अटैक करता है जो कि जादूगरों के फैमिली से नहीं होता है। अब उन 3 दोस्तों को मेल्फॉय पर शक होने लगता है, क्योंकि वो भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं किया करता था। इस चीज का पता लगाने के लिए वो लोग एक ड्रिंक बनाते हैं। इसे पीकर वो मेल्फॉय के दोस्त में बदल जाते हैं, और फिर हमें पता चलाता है कि सीक्रेट चेंबर मेल्फॉय ने नहीं खोला। समय बीतने के साथ अटैक बढ़ते जाते हैं, और इस समय हामाइनी पर अटैक हुआ था। वो पूरी तरह बेजान हो जाती है। हैरी इस पर रिसर्च करने लगता है, आखिर वो है कौन। फिर उसे विजन आता है, वो जायंट आदमी, उसी ने उस सीक्रेट चेंबर को खोला था। इसके बारे में जानने के लिए रॉन और हैरी उस जायंट आदमी के पास जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, स्कूल के प्रिंसिपल और मेल्फॉय के फादर आ जाते हैं। उनके साथ एक और मैजिशियन होता है, लेकिन ये देखते ही हैरी और रॉन उस मैजिकल क्लॉक में छिप जाते हैं। मेल्फॉय के फादर कहते हैं कि कोई इतने सारे अटैक कर रहा है, और आप लोगों को इस चीज की खबर ही नहीं हो रही है। वो मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल से कहते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है, ये जो मैजिशियन अपने साथ लाया हूँ, उसे प्रिंसिपल की ड्यूटी सौंप दे और आप खुद रिजाइन दे दे। लेकिन फिर हमें अंदाजा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि उस जायंट आदमी पर इस चीज का इल्जाम था कि उसने सीक्रेट चेंबर खोला। उनके साथ आया मैजिशियन जायंट आदमी को अपने साथ ले जाता है। वो जायंट आदमी जाते समय रॉन और हैरी से कहता है, मकड़ियों का पीछा करो, तुम्हें सभी जवाब मिल जाएंगे। अब हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें सबसे बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। वो काफी साल पुरानी लग रही थी। वो उस जायंट आदमी की दोस्त थी। वो लोग उससे पूछती हैं, क्या उसी ने उस सीक्रेट चेंबर को खोला था? मकड़ी कहती है, नहीं, उस वक्त मैं उसके साथ थी। उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है।
इसी के साथ दूसरी मकड़िया उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। हैरी और रॉन बहुत डर जाते हैं। इसी बीच उनकी उड़ने वाली गाड़ी वहाँ पर आती है और उन्हें उस जंगल से निकाल कर उनके मैजिक स्कूल में ले जाती है। अब हैरी को स्कूल के वॉशरूम में एक लड़की की सोल नजर आती है। ये उस लड़की की सोल थी जो सीक्रेट चेम्बर के खुलते ही मर गई थी, क्योंकि उसने उस स्नेक ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। हैरी सोचता है कि सीक्रेट चेम्बर यहाँ कहीं ही है। वो लोग उस चेम्बर को ढूंढने लगते हैं और हैरी और रॉन को चेम्बर उसी वॉशरूम में मिल जाता है। उनके साथ शॉपकीपर भी था जिसने हैरी को फ्री में बुक्स दी थी। इनफैक्ट वो एक बुरा आदमी था जो मैजिक स्कूल का सीक्रेट जानने आया था। वो ठीक से मैजिक भी नहीं कर सकता था। वो तीनों सीक्रेट चेम्बर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर स्नेक के कुछ साइन मिलते हैं कि ये यहीं पर रहता है, लेकिन तभी वो शॉपकीपर रॉन की स्टिक से मैजिक करने लगता है, मैजिक स्पेल्स पढ़ने लगता है। लेकिन लकीली रॉन की स्टिक खराब थी तो उस पर मैजिक का उल्टा असर हो जाता है। हैरी रॉन से कहता है कि तुम इस आदमी के साथ रहो, मैं अंदर जाता हूँ। जब हैरी अंदर जाता है तो वो बेहोशी की हालत में रॉन की बहन को देखता है। उसके साथ एक लड़का खड़ा था जो उसे बताता है कि इसमें वो सभी मेमोरीज हैं कि जब सीक्रेट चेम्बर को खोला गया था। इस लड़की में वो चीज मैजिक की वजह आई है, अब मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। जब ये मर जाएंगी तो उसकी सारी मेमोरीज मेरे पास आ जाएंगी और मैं पावरफुल बन जाऊंगा और मैं ही हूँ जिसने उसे कंट्रोल करके सीक्रेट चेम्बर खुलवाया है। लेकिन तभी वो ड्रैगन स्नेक भी वहाँ आ जाता है जो हैरी पर अटैक करने लगता है। लेकिन किसी तरह से उस मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल को खबर हो जाती है और उनका ईगल हैरी की हेल्प के लिए आता है। वो अपने साथ में एक स्वॉर्ड भी लाया था और साथ ही साथ उस ड्रैगन स्नेक की आंखें भी खराब कर देता है, उसे फोड़ देता है। हैरी उस मैजिकल स्वॉर्ड का यूज करके उस ड्रैगन स्नेक को मार देता है और फिर उस स्नेक का दांत निकालता है और उसी खाली बुक पर मारने लगता है। उस बुक के पेजेस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। हैरी उस बुक पर जोर जोर से दांत मारने लगता है जिसमें से खून निकलने लगता है और वो बुक डिस्ट्रॉय होते ही वो लड़का भी मारा जाता है, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह से इस बुक से कनेक्टेड था। इतने ही देर में हम देखते कि रॉन की बहन को भी होश आ जाता है और हैरी उसके पास जाके पूछता है, क्या आप तुम ठीक हो? वो कहती है, जी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल हैरी को अपने पास बुलाकर थैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे रिजाइन नहीं देना पड़ा। और ये बात खुल के सामने आ गई कि असल में सीक्रेट चेम्बर को खोलने वाला था कौन, और उस जायंट आदमी के ऊपर से भी इल्जाम हट गया। तभी वहाँ पर मैल्फॉय के फादर आते हैं और वो प्रिंसिपल से पूछते हैं, आपने अब तक रिजाइन नहीं दिया? तो वो प्रिंसिपल कहते हैं कि अब ये पता चल चुका है कि असल में सीक्रेट चेम्बर को खोलने वाला है कौन, तो मैं क्यों रिजाइन करूंगा। हैरी देखता है कि मैल्फॉय की फादर के साथ वही छोटा सा क्रिएचर होता है जो कि उसके घर आया था ये कहने के लिए तुम इस साल स्कूल नहीं जाओगे। उसे मैल्फॉय के फादर ने ही भेजा था ताकि हैरी स्कूल ही न आए। फिर हैरी स्कूल के प्रिंसिपल से उस बुक को लेता है जो उसने डिस्ट्रॉय की थी और उसमें अपना एक सॉक्स डाल देता है। फिर वो उसे मैल्फॉय के फादर को देकर कहता है कि ये बुक आपके वजह से यहाँ पर आई है। मैल्फॉय के फादर इस बुक को उस छोटे से क्रिएचर को सौंप देते हैं जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।